वेलकम बैक टू अल्लाह करीम व्लॉग्स। आज जो है मैं इंटरनेशनल विजिट पे निकलूँगा और आपको इसकी वजह मालूम ही है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको अपडेट किया था व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए कि मेरा जो है नई लोकेशन और नया वर्क मिला है मुझे सऊदी अरब में। तो मुझे जो है आज उसके लिए निकलना होगा। आज तारीख 3 जनवरी 2023 है और दिन है ट्यूसडे। आज मेरी फ़्लाइट है सुबह 4 बजे और इस वक्त जो हैं 12:09 हो चुके हैं और मैं पूरा तैयार हूँ। देखिए आप पूरा अपने आप को क्या कहना चाहिए प्रिपेयर कर लिया मैंने इंटरनेशनल विज़िट के लिए। मेरा जो ये है आपको बता दूँ, मेरा जो फ़्लाइट है जयपुर से शारजा, शारजा से दम्माम और दम्माम से आगे ऑनवर्ड जर्नी जो रहेगी वो बस की रहेगी। 4 घंटे की जर्नी होगी वो। और मेरी जो पोस्ट है वो है SAP सपोर्ट कंसल्टेंट और ये लोकेशन जो है कुवैत के बॉर्डर के नज़दीक है अलखबजी। आप इस पूरी जर्नी में बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, आप पूरी सीक्वेंस दिखेगी आपको इसमें मेरे ट्रैवल की। ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं, आप बने रहिए। और शारजा दम्माम फिर दम्माम के आगे वॉल्वो बस के ज़रिए शाम को तकरीबन सऊदी टाइम के हिसाब से 4:15 बजे वहाँ से बस निकलेगी और उसके बाद जो है 4 घंटे का रास्ता वहाँ से तय करके आखिरकार 8:15 बजे तकरीबन रात को मैं अलखबजी पहुँचूँगा इंशाल्लाह। अलखबजी इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये थोड़ा सा बोलने में अटपटा सा लगता है अलखबजी। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है कुवैत का, कुवैत और आपके KSA का सऊदी अरब का, वहाँ पर है ये आता है सऊदी अरब में। तो इस तरह की ये जर्नी रहेगी, कैसे रहेगी क्या होगा ये सब बने रहिए आप। और आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, 2023 में दाखिल हो चुके हैं। आपको एक टिप भी दूंगा यहाँ पे, आप जब अपने चेक पे या कहीं और साइन कर रहे हो डेट डाल रहे हैं तो डेट में जो आप ध्यान रखिए कि 22 ना डालें 23 डालें, क्योंकि अक्सर होता है कि आदमी पुरानी डेट डाल देता है। तो 2023 लिखें, बने रहिए अल्लाह करीम लॉक्स के साथ। अब जो है जयपुर एयरपोर्ट पे मैं आ चुका हूँ और काफ़ी देर लगी मुझे इमिग्रेशन में और अभी जो है 3 बज रहे हैं रात के, सुबह के समझ लें आप, सुबह के 3 AM इन द मॉर्निंग। और अब जो है 4 बजे की फ़्लाइट है, 4 बजे की फ़्लाइट है मेरी। बड़ा थका हुआ हूँ मैं, काफ़ी नींद भी आ रही है, बड़ा डिस्टर्ब हो गया जो पूरा शेड्यूल ब्रेक हो गया मेरा। लेकिन आप लोग बने रहिए अल्लाह करीम व्लॉग्स के साथ। अब देखिए जो है मैंने थोड़ा सोचा कि कॉफ़ी ले लूँ, काफ़ी टाइम नींद से भी आ रही है। 3 बज गए, 3:08 आप देख सकते हैं। और कॉफ़ी मैंने नेस्कैफे इनको ऑर्डर किया है। अब ये देखिए शुगर फ्री ले रहे हैं आजकल हम शुगर फ्री शुरू कर रखी है मैंने। और ये है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बने रहिए अल्लाह करीम व्लॉग्स के साथ। हम जो है अब शारजा आ चुके हैं और अब आगे की अपनी जो फ्लाइट है उसको पकड़ेंगे। आगे जो फ्लाइट है मेरी शारजा से दम्माम, ये है शारजा का एयरपोर्ट, आप देख सकते हैं। ये देखिए एयर अरेबिया दम्माम, आपको एयर अरेबिया मिलेगी यहाँ। ये ट्रैफिक, ये इधर जो है मुसाफिर सारा आप सामने देख सकते हैं। शारजा एयरपोर्ट पर जो है ये तकरीबन 6 बजे आए थे हम, 6:15 बजे और इस वक्त यहाँ UAE टाइम के हिसाब से 7:15 बजे। और जो मेरी आगे की जर्नी है वो भी एयर अरेबिया से है और वो है गेट नंबर 20। सिक्योरिटी चेक करके मैं आ गया हूँ यहाँ पर। तो ये है जो मैंने सोचा यहाँ का भी कवरेज ले लें, काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है एयर अरेबिया, बने रहिए अल्लाह करीम व्लॉग्स के साथ। अब हमारे आगे की जर्नी दम्माम के लिए शुरू होगी और सफ़र जो है आपको कोशिश कर रहा हूँ कवरेज हो, हाईलाइट्स तो एटलीस्ट कवरेज हो। अब जो है हम अपने एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से जो है शारजा से
बंद। ये हमारा एयरक्राफ्ट है जिसमें हम जो है दम्माम जाएंगे। لمزيد من المعلومات أو الاستفسار عن حالتكم اليوم لا تترددوا في التحدث إلى أحد أفراد الطاقم وشكرا. नौ बजे लैंड हो गए थे हम दम्माम एयरपोर्ट पे और अभी 9:13 है। ये दम्माम एयरपोर्ट है। अब जो है हम अपने सऊदी अरब में पहुंच चुके हैं। थक चुका हूं तो आवाज़ में ज़रा फ़र्क आ रहा है। अब जो है बैगेज क्लेम की तरफ आ गए हैं, बैगेज क्लेम करेंगे और इस वक्त जो है 9:30 हैं राइट। ये है दम्माम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये देखिए कंपनी से आ चुके हैं मिस्टर जिग्नेश। व्हाट इज योर नेम? जिग्नेश जिष्णु। जिष्णु ये हमारी कंपनी से आए हैं इरम कंसल्टेंट से और ये एयरपोर्ट से हम जा रहे हैं ऑफिस के गेस्ट हाउस चलेंगे। ऑफिस का अकोमोडेशन? हाँ ऑफिस के अकोमोडेशन में जा रहे हैं हम दम्माम में। ये दम्माम देखिए एयरपोर्ट 10:20 हो चुके हैं। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले ब्लॉग वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे से और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर कीजिए। ये जो है कंपनी का अकोमोडेशन है। एक बिल्डिंग ले रखी कंपनी ने, उसमें 2 फ्लैट ले रखे हैं अल खूबर में। तो यहाँ पर मैंने स्टे किया हुआ है। अच्छा है अंदर ने उन्होंने लगा रखे मैट्रेसेस वगैरह। और ये देखिए लॉबी और ये लिफ्ट। अब मैं यहाँ आया हूँ और मैंने सोचा कुछ चाय वाय पी जाए, कुछ खाया जाए, तो नीचे जा रहा हूँ देखता हूँ स्ट्रीट कोई रेस्टोरेंट मिले ढंग का। ये जो लोकेलिटी है जहाँ हमारा जो है अभी फ़िलहाल जो टेम्प्रेरी में आया हूँ अल खूबर जो कंपनी का अकोमोडेशन है, ये उसकी सराउंडिंग है। ये देखिए ये मैकडोनल्ड और ये अल खूबर है। इसका मैकडोनल्ड का लोगो और ये अल खूबर में है हम। अब आज ही जो है 4 बजे निकलेंगे इंशाल्लाह अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ वर्क लोकेशन है मेरी अल खबजी।
कुवैत का बॉर्डर है, कुवैत 12 किलोमीटर आ जाता है वहाँ से बॉर्डर। बड़ा खूबसूरत मौसम, बड़ा अच्छा हो रहा है यहाँ सऊदी अरब में अलखूबर का। ठंडा मौसम है लेकिन इंडिया जैसा नहीं है, बहुत अच्छा है। मगर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ मगर बड़ी प्लेजेंट है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा। और अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और या ना करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि शायद अल खबजी तक इसको कवर कर लूँ ताकि पूरा वहाँ तक का बन जाए सफ़र मेरा। तो देखते रहिए अल्लाह खने व्लॉग्स। ये जो है एकोमोडेशन कंपनी की अल खुबर में, ये उसका एंट्रेंस है। और ये इसके सामने आपको मैकडॉनल्ड बताया मैंने, और ये एक बड़ी बिल्डिंग, ये देखिए आप। ये सारा सराउंडिंग है इसके, ये कॉम्पिटिशन जो है अल खुबर। ये यहाँ से पार्किंग जाती है अपार्टमेंट। हम जो है दमाम के बस स्टैंड आ चुके हैं सेप्को, जहाँ से मैं बस लूँगा अपनी, ये आपके वॉल्वो बस कब्जी के लिए। और यहाँ पर मैं ज़रा चाय ले रहा हूँ, ये इसका बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है इसका। ये एक जो कैफेटेरिया है, यहाँ से रुक के मैंने चाय ले रहा हूँ, चाय पी के फिर चलते हैं बस में। बने रहिए अल्लाह करें ब्लॉग्स के साथ। ये बस है हमारी 5 नंबर पे अल खबजी, ये वॉल्वो बस खड़ी है, ये यूएई जा रही है। ये सारी बसेज हैं, देखें आप। अब हम अल खबजी के लिए रवाना होते हैं इंशाल्लाह।